नहीं, घर में मैं चैन से खर्राटे भी नहीं ले सकता। एक दिन मुझे विधाता से मिलना है और पूछना है, कौन सी वो शुभ घड़ी थी जिसमें आपने मेरी कुंडली लिखी, बोलो। दया, तू दया नहीं निर्दया है, निर्दया। सपने तोड़ू, सपने तोड़ू, और नहीं तो क्या, पहले स्वादिष्ट उंधियों के सपने दिखा दिए, फिर स्वादिष्ट उंधियों नहीं खारा खारा खम उंधियों भेजती है जिसका मैं एक निवाला भी नहीं खा सकता, और मेरा स्वादिष्ट उंधियों खाने का सपना चूर चूर हो जाता है। तो हुई ना, सपने तोड़ू। सॉरी। अरे क्या सॉरी, क्या सॉरी, हर बार तू ऐसा करती, हर बार मुझे स्वादिष्ट स्पेशल खाने का सपना दिखाती है और फिर हर बार कोई ना कोई गड़बड़ करती है। इसकी वजह से तुझे पता है, मेरा सिर्फ स्वादिष्ट खाना खाने का सपना नहीं टूटता, मेरी जबान और मेरा पेट भी टूट जाता है। सॉरी सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। टप्पू के पापा, दोबारा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। बबीता जी, मैं जब भी गणपति बाबा के दर्शन करती हूँ ना, तब मुझे उनमें टापू के पापा ही दिखते हैं। क्या हुआ दया? अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? टापू के पापा क्या कह रही हो? कब? अभी थोड़ी देर पहले। 150 साल से जी रही थी, आज चल बसी। 150 साल से जी, कौन सी बाकी बात कर रही है दया तू? काश मैं सास होती उस सीरियल की, माँ रूप जो बहू की माँ। नहीं, घर में मैं चैन से खर्राटे भी नहीं ले सकता। एक दिन मुझे विधाता से मिलना है और पूछना है, कौन सी वो शुभ घड़ी थी जिसमें आपने मेरी कुंडली लिखी, बोलो।